So finally guys, here is our scooty. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉर्क अभी व्लॉग्स। तो आज हमारी स्कूटी की न्यू डिलीवरी आ चुकी है पहले तो, और क्या कहते हैं, अभी मेरे को शास्त्रीनगर से मेरा टॉर्क अभी व्लॉग्स और टॉर्क नाइट वाले चैनल के लिए सामान उठवाने जाना है। जून सा अभी रेडी हो गया है, टॉर्क नाइट वाले चैनल के लिए जो बनवाया था उसको थोड़ा सा एडिट करवाना था, वो पूरा ही फिर से न्यू बना है। और क्या कहते हैं, अभी हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है, फिर आपको दिखाते हैं वापसी के टाइम पे आके दिखाऊंगा कि वो कैसा बना है। और टॉर्क अभी व्लॉग्स के लिए खास करके कुछ बढ़िया बनवाया है, मतलब कि वो मैं कहीं पे भी पहन के भी जा सकता हूँ। तो जो उनसे भी न्यू व्यूअर्स आ रहे हैं, इस वाली वीडियो को देख रहे हो, आप पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कंटेंट बहुत बड़े बड़े आने वाले इस वाले क्या कहते हैं चैनल पर, ठीक है गाइस। अभी क्या कहते हैं, जो न्यू स्कूटी आ रखी है उसके अंदर एक्सेसरीज वगैरह भी लगवानी है, तो आज शेड्यूल थोड़ा सा बिजी है, और मतलब कि आपको भी दिखाएंगे कि कैसे ऐसे कहाँ कहाँ पे हम लोग जा रहे हैं आज, और मतलब कि पूरे दिन का जो भी शेड्यूल है आपको रास्ते में बताता जाऊँगा। क्योंकि अभी जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं शास्त्रीनगर साइड पे, आज थर्सडे, तो बेसिकली वहाँ पर लगा हुआ जाम जस्ट बिकॉज ऑफ इंद्रलोक की मार्केट की वजह से, जो इंद्रलोक का मार्केट वहाँ पर लगता है, इसी वजह से अभी थोड़ा सा जाम लगा होगा। तो इन बिटवीन मैं व्लॉग नहीं बना पाऊँगा ज़्यादा टाइम और आते टाइम, क्योंकि जो चीज़ मैं लेने जा रहा हूँ खास करके टॉर्क नाइट वाले चैनल के लिए, वो बहुत संभाल के आराम से लेके आनी पड़ेगी मेरे को, बस उसमें ये इशू है बस मेरे लिए। तो आपको मिलते हैं अभी थोड़ी देर तक, लेके आता हूँ, मेरे ख्याल से आधा एक घंटा लग जाएगा, उसके बाद आपको ला के दिखाता हूँ कि क्या चीज़ लेके आया हूँ। अगर नहीं दिखा पाया कोई दिक्कत नहीं, वो नेक्स्ट वाले व्लॉग में भी दिखा दूँगा, कोई इशू नहीं है। आप इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक ठोक दो पहले से ही आपको, क्योंकि आज का कंटेंट सीरियसली बहुत बढ़िया लगने वाला है। और जो स्कूटी ली है उसका एक हम लोगों ने आपको, मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता दूं, स्कूटी की डिलीवरी की मैं वीडियो बनाना भूल गया, मेरा फ़ोन हो गया था स्विच ऑफ, अब मैं कुछ कर नहीं सकता उसके लिए। कोई बात नहीं, अभी एक्सेसरीज़ वगैरह लगवाने जाऊंगा तो स्कूटी की भी आपको दिखा दूंगा कि कैसी सी स्कूटी ली है हम लोगों ने, वो होंडा एक्टिवा की है। तो आपको जो न्यू मॉडल आया वो की मतलब कि वायरलेस की वाला नहीं लिया, जब एक दो रीजंस है, वो जब एक्सेसरीज़ वगैरह लगवा रहा हूँ वहीं पर बताऊँगा आपको मैं सीधा, ठीक है इस। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर तक। तो गाइस, मैं आ चुका हूँ शास्त्रीनगर से, ठीक है, अब एक्सेसरीज लगवाने जा रहा हूँ, ठीक है, स्कूटी पर। और फाइनली मेरी टी शर्ट आ चुकी है जो मैंने बनवाई थी टॉर्क अभी व्लॉग्स के लिए, ये देख लो आप लोग अभी, तो ये है ऐसे है, एंड इसके पीछे लिखवाया हुआ है मैंने प्रॉपर अपने चैनल का नाम लिखवाया हुआ है, एंड वो टॉर्क अभी व्लॉग्स करके उस पर लिखा हुआ है बकायदा। और एक क्वाट लिखा है जो मैंने अपने, मतलब कि जब मैं 9th क्लास में था तब से मैं वो क्वाट फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ, जो आज मेरी सक्सेस का रीज़न है, जो है क्विटिंग इज़ नॉट अलाउड, हार माननी कभी भी, वो कभी भी हार नहीं मारनी, बस ख़त्म बात। अब नीचे चलते हैं, आपको स्कूटी का वो लुक दिखाते हैं कैसी है स्कूटी न्यू वाली, और उसकी एक्सेसरीज लगवाने जा रहे हैं मोतीनगर साइड पे।
सो फाइनली गाइस, हियर इज आवर स्कूटी। जो बेसिकली न्यू मॉडल आया ये वो है, ठीक है, एक्टिवा का जो कीलेस वाला है ना, ये वो नहीं है, उसी के जो न्यू मॉडल है वही है। बट वो किक वाला सिस्टम है, बिकॉज मम्मी को इशू ना आए, कहीं भी इनके जैसे रुक जाए या कुछ भी दिक्कत आए तो मम्मी को कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो इसी वजह से हम लोगों ने किक वाली ले ली, इशू ज़्यादा दिक्कत ना आए हम लोग को भी। चलो एक्सेसरी लगवा के मिलते हैं सीधा डायरेक्ट वहीं पे। इसमें एक चीज़ है कि अभी जो उन्होंने मेरे को बताया है, अभी इसका मैं फुल टैंक नहीं करवा सकता फर्स्ट सर्विस से पहले, ना इसको मैं 40 या 30 से ऊपर नहीं भगा सकता स्कूटी को। तो चलो भाई, सेफ्टी पर्पज़ के लिए भी, और वो दूसरी बात है सर्विस वगैरह में जो भी एक्सपेंस आएगा उसके लिए वीडियो मैं अलग से बना दूँगा। अभी तो एक्सेसरी लग रही है, तो आगे की लगवा दी मैंने, इसकी पीछे की भी लग रही है अभी, बस देखते हैं होती है पूरी तैयार, तो आप लोगों को भी दिखाता हूँ। अभी भैया लगा रहे हैं उसको प्रॉपरली, अभी बैक साइड पर लेके आए ताकि यहाँ पर आराम से लगा सकते, लगा सकें ये लोग, काम वाम यहीं पे हो रहा है इनका। बढ़िया है भाई, वहाँ पे मेन रोड पे जाम ना लगे, भी इसीलिए बैक साइड पे ले आए हैं ये लोग, ताकि लग जाए आराम से, इजीली। बढ़िया से एक्सेसरीज लग चुकी है मेरी पूरी प्रॉपरली, लगवा दी फाइनली यार, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई। थैंक यू। तो भाई अब हम लोग जा रहे हैं बंगला साहिब गुरुद्वारे, एक्सेसरीज वगैरह लगवाया था मैं, तो बंगला साहिब गुरुद्वारे जाके वहाँ पर दर्शन करेंगे, आपको भी थोड़े से अंदर तक के दर्शन करवा देंगे। वैसे अलाउड नहीं है वहाँ पर वीडियो का, तो थोड़ी सी ट्राई करेंगे कि ब्लॉग बन जाए वहाँ पर, ठीक है। तो अब सीधा वहाँ पर बंगला साहिब जाके मिलते हैं, थोड़ा सा निकले बनानी पड़ी बीच की थोड़ा सा, तो मैं वो भी डाल दूँगा, ठीक है। वैसे आ चुके हैं दोबारा बंगला साहिब में, तो अंदर की वीडियो हम निकाल नहीं पाए बिकॉज वहाँ पर अलाउड नहीं है अंदर, तो अभी जो है बाहर बैठे हैं, तो वहाँ पर ही अभी तक थोड़ी सी मतलब क्लिप वगैरह बना रहे हैं, यहाँ ज़्यादा किसी को डिस्टर्ब ना हो ना, सनलाइट वगैरह भी ज़्यादा कोई दिक्कत हो, वीडियो वगैरह शेयर करें भी। दर्शन करा देंगे, क्योंकि मैं स्कूटी है भाई, बाबा जी के दर्शन कराने भी जरूरी है, क्योंकि उनकी रहमत की वजह से हमारी स्कूटी आई है इतने टाइम बाद, तो वो तो ऑब्वियसली बात है बनता ही था। चलो अब थोड़ा सा वैसे आपको क्लिप्स वगैरह थोड़ा सा दिखा देते हैं, बस वैसे जो तक बाहर मिलते हैं, उसके बाद भी शायद प्लान है कहीं जाने का, उसके बाद मिलते हैं आप बाबा जी के दर्शन कर लो। वैस मम्मी इसके ऊपर सेरा साहब चढ़ा रही है स्कूटी पे, हाँ चढ़ाऊंगी मैं, गिरेगा तो नहीं ना, गिरना। हम लोग निकल रहे हैं बाहर, पार्किंग में आ चुके थे, बाबा जी के दर्शन भी कर लिए थे पार्किंग में, अभी तो हम लोग आ चुके हैं। यहाँ से शायद से हम लोग रेड टेप के शोरूम जाएंगे, वहाँ से मेरे को शायद से अपने शायद से क्या मेरे को अपने शूज़ वगैरह खरीदने हैं, इसी वजह से मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, मम्मी भी शायद से कुछ आई गेस। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं बेसिकली रेड टेप के शोरूम पे, अभी मैंने अपने लिए वो सिलेक्ट करा है, क्या बोलते हैं, शूज़ सिलेक्ट करे हैं, वो पैक कराए, अभी टी शर्ट्स वगैरह भी शायद से देख रहा हूँ, देखते हैं बाकी मिलते हैं, दिखाते हैं आपको कि क्या ले रहे हैं।
तो गाइस अभी ली है मैंने एक टी शर्ट ली है और एक अभी शूज लिए, मेरे को तो पैंट जीन्स वगैरह वो नहीं था कि हाँ जीन्स वगैरह लूँ, बस अभी ये दो चीज़ें ले रहा हूँ फिर निकल रहे हैं घर की साइड पे। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं घर, ठीक है। तो मैंने मतलब शॉपिंग वगैरह कर ली है एंड अब जा रहे हैं घर, ब्लॉग को कर रहे हैं अब हम लोग यहीं पर एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा है प्लीज़ मुझे जरूर मेंशन करना, ठीक है गाइस, बाय, टेक केयर।